घटना जिसमें एक 31 साल की महिला डॉक्टर, जिसका रेप और मर्डर हुआ बस, और हॉस्पिटल के अंदर जहां वो काम कर रही थी, उसके काम करने की जगह पर। वेस्ट बंगाल जो हम कहते हैं कि असुरक्षित स्टेट है, उस इसी से पता चलता है कि आप हॉस्पिटल के अंदर घुस के, जो पुलिस की एक पार्ट था, वो आदमी पुलिस का पार्ट था, वॉलंटियर था, और उसने अंदर घुस के रेप और मर्डर किया। आप सोच सकते हैं कि कितनी अनसेफ जगह है। एक डॉक्टर अगर अपने हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है तो कहाँ पे सेफ होगा। वेस्ट बंगाल में जो मैं कई सालों से कहती आ रही हूँ कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक और ऐसी दुखद घटना ये प्रूव करती है कि महिलाओं के लिए बहुत ही असुरक्षित है प्रदेश है ये, जिसकी जिस प्रदेश की सीएम खुद महिला हो। राष्ट्र महिला आयोग, जिससे मैं अभी अभी निकली, उन्होंने लिया है इस पे संज्ञान और एक टीम भी भेजी है। देखिए वो टीम का क्या कहना है। लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत देरी की। मतलब आज सीएम कह रही है कि सीबीआई को जाना चाहिए ये केस, लेकिन ये ऑलरेडी काफी लेट हो गया, जबकि ये पहले दिन ही अरेस्ट हो जाना चाहिए था। देर आर कैमराज, कैमराज लगे होंगे हॉस्पिटल में, तो इसमें देरी, और वो पार्ट था पुलिस का, तो इतनी जल्दी पकड़ा जाना चाहिए था। वैसे ही पुलिस जैसे अन्य केसेस में देरी करती रहती है वेस्ट बंगाल में, वैसे ही यहाँ पे भी देरी की गई। मैम, सीबीआई जांच की भी बात की जा रही है, अगर जी आज फॉर्चुनेटली ये कह रही है सीएम कि सीबीआई जांच करी जाए। कुछ वक्त दिया है उन्होंने अपनी पुलिस को, देखिए, और ये पहले दिन ही सीबीआई को दे देना चाहिए था। बहुत देरी कर दी, क्योंकि पुलिस आज भी, मैं बताती हूँ कि जिस तरह की कार्य प्रणाली है वहाँ की पुलिस की, वो पूरी तरह से प्रॉपरली चार्जशीट भी नहीं करेंगे और वो बच निकलेगा। इससे अच्छी बात है कि सीबीआई को दे दिया जाए ये केस, ताकि जल्दी से जल्दी ये कड़ी से कड़ी सजा हो उस व्यक्ति को। जब एक पुलिस में वॉलंटियर आता है तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, कौन सी जगह से आता है, और जब आप उसके नेबर्स को पता है, समाज को पता है कि वो गलत व्यक्ति था, पहले उसने वाइफ को भी इस तरह से मारा पीटा, आस पड़ोस की महिलाओं को भी गलत दृष्टि से देखता था, तो सभी जगह का ये पता था, तो पुलिस को कैसे नहीं पता था। उन्होंने कैसे वो वॉलंटियर रख लिया, और वॉलंटियर होने के नाते वो कहीं पे भी घुस जाए और कहीं पे भी ये इस तरह की घटना को अंजाम दे, तो ये पता चलता है कि पुलिस की खुद की रीडिंग क्या है व्यक्ति के बारे में, और उनका प्रक्रिया जो होनी चाहिए उसको फॉलो नहीं किया जाता पुलिस में। तो पुलिस से बहुत बड़े क्वेश्चन किए जाने चाहिए। पहले तो ममता जी को खुद अपनी पुलिस को ही ठीक से कैसे काम किया जाता है वो सिखाना पड़ेगा, और उनको पनिश भी करना चाहिए। कौन है ये आंसरेबल जिन्होंने इसको वॉलंटियर की तरह रखा जाए, उनको पनिश करना चाहिए। मैं जब गई थी पहले भी वेस्ट बंगाल में, 2-3 बार मैंने ये कहा कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। वहां है जिस तरह से महिलाएं ही नहीं, पॉलिटिकल वर्कर्स, मेल हो या फीमेल हो, इलेक्शंस के, हर इलेक्शन के बाद अगर आप देखें तो जिस तरह से मर्डर हुए हैं, रेप हुए हैं, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये इससे पता चलता है कि वो सिर्फ गुंडागर्दी वाला प्रदेश है, वो गुंडों का राज है वहां पर, और आम जनता सुरक्षित नहीं है। और ये बार 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 प्रूव किया गया है। मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और मैं फिर से ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये कहूंगी कि वहां एक बार देखा जाए, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, ताकि महिलाएं सुरक्षित हो वहां पर। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड इंसिडेंट वेयर अ 31-year-old यंग प्रोफेशनल डॉक्टर वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड इन साइड हर वर्किंग हॉस्पिटल वेयर शी वॉज वर्किंग। इफ अ वुमन इज नॉट सेफ एट प्लेस ऑफ वर्क वेयर शी इज वर्किंग, वेयर विल शी बी? सो आई हैव अ बिग क्वेश्चन फ्रॉम सीएम ममता जी, दैट वेयर इन वेस्ट बंगाल वेमेन आर सेफ, वेदर दे आर वर्किंग ऑन अ इलेक्शन बूथ और इन अ विलेज, वर्किंग इन अ पोलिटिकल पार्टी और इवन इन द हॉस्पिटल, अ डॉक्टर इज नॉट सेफ, सो वेयर इज शी सेफ? देर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द वर्किंग ऑफ द पुलिस ऑल्सो, हाउ दे आर सेलेक्टिंग द वॉलंटियर्स
ऑफ पुलिस इफ दे आर नॉट वेरीफाइंग द पर्सन एंड कीपिंग विदाउट वेरिफिकेशन एंड दैट पर्सन हैज गॉट एक्सेस टू एवरीवेयर एंड एवरीवेयर दे ही एंटर्ड इन अ हॉस्पिटल विदाउट एनी प्रॉब्लम बिकॉज ही वॉज वॉलंटियर फ्रॉम द पुलिस एंड ही रेप्ड एंड मर्डर्ड अ यंग डॉक्टर एंड After few days, things started moving. When it came in the media, press, people started speaking, and then police started working on it. And then the CM is saying now that she will hand over to CBI. It should have been handed over on the first day itself because we know the working of the police of West Bengal. They are incompetent. They will not be able to work on it properly, like in many other cases in the past. So it is better that they should hand over to the CBI. Ma'am, do you think central government should intervene in this incident? I time and again said that central government should intervene in West Bengal because in every time after the elections, the way the crime happens against women, not only women, in against the political workers of other parties. Women and people, especially women, are not safe in that state. And yes, the president rule should be there. I time and again demanded for that. And again, I would like to give a stress on that West Bengal government is not being able to save the women of the state. So center government should intervene in it. Thank you so much. Thank you.